हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग बैठे हैं लूजन मेन ट्रेन स्टेशन पे। तो आप सोच रहे होंगे कि आज ये कैसे हुआ, हम यहाँ कैसे शुरू कर रहे ब्लॉग। तो एक्चुअली हम लोग है ना, हमारी होटल से जा रहे थे तैयार होके टिटलिस के लिए। तो टिटलिस जाने के लिए हमें जाना पड़ता है एंजल बर्ग, और एंजल बर्ग जाने के लिए हमारे होटल से एक शॉर्ट रास्ता था, जिससे हमने बस पकड़ के वहाँ से, हमें ना अगर ट्रेन पकड़ते तो हमें शॉर्ट मिलती। पर हमारे और आरती के साथ ये हुआ कि हमें बस वाले ने, पहली बार ऐसा हुआ स्विट्ज़रलैंड में कि बस वाले ने हमें, हमने है ना मतलब स्टॉप का बोल भी रखा था तो भी उसने वहाँ नहीं रोका और 100 मीटर आगे रोक दिया। तो उससे हमारी ट्रेन सिर्फ 1 मिनट से छूट गई उस स्टेशन पर जिसका नाम है हाउर। तो हॉर्व स्टेशन से हम वापस अब लूसन आए हैं। लूसन में हम बैठे हुए हैं क्योंकि अभी हमें आधा घंटा और रुकना पड़ेगा। लूसन से डायरेक्ट एंजल बर्ग के लिए ट्रेन मिलती है जो कि 45 मिनट्स की होती है। तो अब हम निकलते हैं थोड़ी देर में एंजल बर्ग के लिए ट्रेन से, और आज जाएंगे हम माउंट टिटलिस। तो आज हमारा स्विट्ज़रलैंड में है 6th 7th 7th डे। सेवन तो बताते हैं आपको आज की जर्नी। और बस अब हमारे स्विट्ज़रलैंड का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, तो हम वही बातें कर रहे थे कि इतने अच्छे पल गए, और इंटरलेकन वाले दिन तो हमें और बहुत अच्छे से याद है। तो चलते हैं आगे, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप ट्रेन स्टेशन के बेसमेंट के इधर कूप का स्टोर है बहुत बड़ा, तो कूप स्टोर में आपको सब कुछ मिल जाता है खाने पीने का, और बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो अभी हम कुछ देर में ट्रेन पकड़ के आपसे फिर से मिलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं लूसन से एंजल बर्ग के लिए। तो रास्ता बहुत ही सीनिक है, ये देखिए आप, और इधर आरती बैठी हुई है मस्त। हमारे इतना बड़ा विंडो होता है ट्रेन के साइड में कि आपको सीनरी देखने का मज़ा ही कुछ और लग। तो अभी हम लगभग 15 मिनट के अंदर एंजल बर्ग पहुंच जाएंगे, और वहां से जाएंगे टिटलिस। और कल हम यहां से लूसन से चले जाएंगे ज़ूरिक व्यूअर्स, और ज़ूरिक में हम कल थोड़ा रेस्ट करेंगे। कल कोई व्लॉगिंग नहीं करेंगे, कहीं नहीं निकलेंगे, सिर्फ रेस्ट करेंगे क्योंकि कल हमारी फ्लाइट है शाम को, शाम मान लो रात मान लो जो भी है। तो आप देखिए कितने शानदार व्यूज़ हैं इधर। तो हम लोग अभी एंजलबर्ग पहुंच चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं टिटलिस के बेस स्टेशन पे। हम लोगेंगे वहां से टिकट टिटलिस की, स्विस फ्रैंक के लिए हाफ फेयर लगेगा, तो लेते हैं हम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है टिटलिस की कि वहाँ पे है एक आइस फ्लायर करके एक्टिविटी, जिसके 12 फ्रैंक्स अलग से पर पर्सन लगते हैं। तो हम आइस फ्लायर भी करेंगे। तो आप एंजल बर्ग जैसे ही स्टेशन पे उतरोगे तो 10 मिनट का वॉक है, 10 मिनट का वॉक करके आप सीधा टिटलिस के लिए पहुँच जाओगे केबल कार का। ये देखिए हम चल रहे हैं, और यहाँ पे आपको दिख रही होंगी कुछ केबल्स चल रही हैं। तो हम बस अब टिटलिस के लिए जा रहे हैं। टिटलिस लूसन में के इलाके में सबसे बड़ा माउंटेन है, जो कि लगभग 3000 से ऊपर मीटर की ऊंचाई, 3400 मीटर की ऊंचाई पे। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी ठंड है लूसन के कंपैरिजन में, अच्छी खासी ठंड है। आरती मेरे को इतनी ठंडे तो ऊपर कितनी है। तो बस हम अभी पहुंचते हैं वो टिकट स्टेशन, वो रहा सामने की तरफ, और देखिए ट्रॉलियां जा भी रही हैं। तो देखिए ये प्यारी सी कितना साफ पानी वाली नदी यहाँ बह रही है, और हम लोग यहाँ टिटलिस के बेस पे आ गए हैं। टिटलिस आरती बिल्कुल मैटरहॉर्न जैसा ही है। हाँ। इसमें भी आपके बीच में जो जो स्टेशन आएंगे आप वहाँ पे उतर सकते हो, और सबसे अच्छी बात यह है कि इधर आपको ट्रॉली का वेट नहीं करना पड़ता है, एक के बाद एक के बाद एक ट्रॉली आती जाएगी। तो हम टिकट लेते हैं पहले, और फिर आपको आगे केबल में कार में इसमें चढ़ के बताते हैं। ठंड लग रही है यार, थी ऊपर जाती जैकेट पहनना पड़ेगा। हम लोग अभी आ चुके हैं
टिकट काउंटर्स पे, ये देखिए यहाँ पे 3-4 टिकट के काउंटर्स हैं और लाइन देखिए आप कितनी लंबी लाइन है। आप चाहे तो टिकट वेंडिंग मशीन से भी ले सकते हैं, बट हम इसलिए नहीं ले रहे हैं टिकट वेंडिंग मशीन से क्योंकि एक तो आपको अपने कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आपके पास कैश है तो आप बना टिकट काउंटर से ले और कार्ड से पेमेंट करके भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है बाहर वेंडिंग मशीन में स्विस पास का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने आरती को कहा कि 5 मिनट और सही, बट हम इस बार लाइन से ही ले लेते। और टेम्परेचर देखिए ऊपर कितना है, और टीवी की जिसमें सब कुछ दिख रहा है कि ऊपर क्या है, 2.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बता रहा है ऊपर, और ये टिटलीज का लाइव अभी फीड आ रहा है वेबकैम का ऊपर से, तो ठंड बहुत है ऊपर व्यूअर्स, तो हम चलते हैं। ये हम लोगों ने टिटलीज का वो पास, और हमने एक्टिविटी कर रहे हैं आइस फ्लायर करके ऊपर, जिसके 12 स्विस फ्रेंक्स पर पर्सन है, हमने टोटल दिया हाफ 120, जिसमें से 96 स्विस फ्रेंक्स था हमारे दोनों का आने जाने का, दो लोगों का विथ हाफ रेट ऑफ स्विस पास का, और बाकी 20 मतलब कितना होगा, लगभग 10,000 रुपए के आसपास होगा। तो अब यहाँ पे तो महंगा पड़ता ही, तो हम जा रहे हैं गंडोला राइड टिटलीज की, देखिए आप, और बहुत भीड़ है यहाँ पे व्यूअर्स। हमने लाइन में इस क्योंकि हमें आइस फ्लायर का टिकट भी चाहिए था, नहीं तो हमें फिर ऊपर जाके आइस फ्लायर के लिए है ना लाइन में लगना पड़ता, तो हमने सब यहीं से ले लिया नीचे से ही। वो पता नहीं लोग इतना देर देर तक करते क्या टिकट लेने के लिए, मैप निकाल रहे हैं, मतलब सिर्फ हम नहीं इंडियंस का नहीं दूसरे लोगों का भी मैंने देखा कि मैप निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो अभी आप ये देखिए, तो हम जाते हैं अंदर और फिर आपसे मिलते हैं आगे। ये हमारी टिटलीज की लास्ट ट्रिप है स्विट्जरलैंड में, इसलिए ट्रॉली में, बेसिकली ट्रॉली में अब लास्ट ट्रिप है, क्योंकि हम मैटरहॉर्न गए, हम शिल्थॉर्न गए, हम ग्रिंडेलवाल्ड गए, हम कल स्टेंसनहॉर्न गए, हम 5 दिन कंटिन्यूस वो कर रहे हैं। और आप देखिए ये भी बहुत ऊंचाई पे, अभी हम थोड़ी देर में हमारे जैकेट्स और सब पहन लेंगे, टेम्परेचर कम होता ही जा रहा है, और ऊपर आपको मैंने जैसे स्क्रीन पे दिखा है 2.2 डिग्री सेल्सियस, और वो तो उस खतरनाक ही ठंड है। तो ये पूरा है एंजलबर्ग टाउन, आप देखिए कितना प्यारा टाउन है, बहुत ही सुंदर टाउन है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और थोड़ी एंजॉयमेंट करते हैं। हम लोग अभी ट्रॉली से नीचे उतर गए, बीच में ही ये ट्रुप्सी करके एक है ना पॉइंट आता है, हम इसलिए उतरे क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रॉली में आप जब चाहे अंदर बैठ जाओ, बीच स्टेशन पे उतर जाओ, तो यहाँ पे लोग बहुत ट्रैकिंग करते हैं। और यहाँ पे भी ठंड लग रही है आरती, तो ये देखिए हमें वहाँ जाना है, देखिए आप पूरा टिटलीज आपको दिखाता हूँ मैं, ये है तो यहाँ पे लोगों लेक किनारे जा रहे हैं कुछ ऐसे ही हैक ट्रैकिंग करने, तो हम लोग बस ऐसे ही देखने के लिए रुके, अभी हम वापस ट्रॉली से ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ही रुके थे देखने के लिए। तो यहाँ पे भी देखिए होटल एंड रेस्टोरेंट है, होटल भी है यहाँ, वाह रहने के लिए। लोगों ने गर्म कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि हमें पता है अभी उतरने के बाद बहुत ठंड लगने वाली है, और मेरे पीछे आप नजारा देख रहे हैं, आप इससे ब्यूटीफुल नजारा कुछ नहीं, हम इस लेक को देख रहे हैं जो अभी हमने आपको बताई थी, और मैं आपको अभी बताता हूं क्या जबरदस्त लग रही है लेक, एकदम टर्कोइस पानी। और ये देखिए आप ट्रॉलीज अभी भी नीचे उतर रही हैं, कुछ भी कहो टिटलीज का भी एसेंट बहुत जबरदस्त है। आरती ये अपन ये पॉइंट पे एक बार जाएंगे वापस, है ना, उतरते समय फोटोज और भी अच्छे आएंगे जबरदस्त। तो ये देखिए हम टिटलीज की तरफ जा रहे हैं, और अभी तो अभी तो ये ट्रॉली है ही नहीं मेन, मेन ट्रॉली तो अब आएगी, ये जैसे ही खत्म होगा इस ट्रॉली से हम उतरेंगे तो फिर आएगी एक रोटेटिंग 360 डिग्री वाली, जो टिटलीज के लिए स्पेशल जानी जाती है। तो ऊपर तो बर्फ है आरती, बहुत सारी है। तो हम लोग हमारी केबल से उतर चुके हैं और सामने आ रही है टिटलीज की 360 डिग्री रोड केबल कार, आप देखिए आपको दिखा
बाप रे, ऊपर तो बादलों में दिख ही नहीं रहा है, वो तो बादलों में पहुंच गई के। बाप रे, आज थोड़ा माउंटेन अभी क्लाउडी हो गया वापस थोड़ा सा। और ये देखिए, ये केबल आ रही है हमारी, ये देखिए आप, ये वाली। और ऊपर देखिए पूरा ऊपर बहुत बर्फ है। और हम ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला, यहाँ पर हम करेंगे आइस फ्लायर, आइस बनने वाला। मैं तो टोपा वोपा लेके आ गया हूँ भाई। तो ये देखिए, चलो इसमें बैठते हैं। रोटेटिंग केबल इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी मैं इधर देख रहा हूँ, अभी मेरी पोजीशन घूमती जा रही है और थोड़ी देर में हम लोग पूरा राउंड एक है ना मार के ऑपोजिट जगह पे आ जाएंगे। आरती, बहुत ही खतरनाक लग रहा है, ठंडा भी है और ऊपर बादल कितने सारे हैं। तो ये पूरी घूमती है, देखिए अभी हमारा चेहरा उस तरफ था, इस तरफ था, अब हम इस तरफ हो रहे हैं अपने आप। तो ये रोटेटिंग केबल है पूरी, ये देखिए आप। तो ये देखिए, ये यहाँ से हमने शुरू किया। क्या गजब के नजारे, और क्या टेक्नोलॉजी है ना यार। हम लोग उधर उस साइड में मुंह करके बैठे थे, अभी इस साइड में हो रहा है, पूरा राउंड हो गया। देखिए हम अपने आप इस ट्रॉली में घूमते हुए इस गंडोला में इधर आगे। देखिए वो लेक भी आपको दिख रही होगी जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या मस्त लग रहा है एकदम। तो मुझे देखिए, मैं तो टोपा ऊपा पहन चुका हूँ व्यूअर्स, और आरती एरी बहुत ठंड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हम टिटलीज के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे आए और हम यहाँ से एक आइस फ्लायर भी करने वाले, पर कितनी ठंड लग रही है ना आरती। बान लो। छूट रही है ना मेन तो। 3020 मीटर की ऊंचाई पे, जो कि लगभग 10,000 फीट होता है, और नीचे देखिए आप कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि बादल यहाँ पे बह रहे हैं। और ये देखिए आप, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे इनकी होर्डिंग लगी हुई है शाहरुख और काजोल वाली। बहुत ठंडा है यहाँ, बैठ के क्या कर सकते हैं आरती, कुछ नहीं, बस इतना ठंडा हो रहा है। लोगों की सबकी दूजनी छुट्टी हुई, ये सिर्फ एक क्लाउड है जो आया हुआ है सामने, है ना आरती। तो अभी हम जा रहे हैं आइस फ्लायर और क्लिफ वॉक के लिए। सो ये बहुत डेंजरस होने वाला है, मौसम बहुत खतरनाक हो चुका है, एकदम क्लाउडी मौसम हो गया। आरती, ये तो पूरा एक क्लाउड के अंदर फंस गए हम लोग, ऐसे ही क्लाउड आना नहीं चाहिए था। बहुत ही कातिल बर्फ के ऊपर से जाना पड़ रहा है हमें, और बाप रे आरती कैसा हो रहा है यार, धुंधला एकदम, कुछ दिख ही नहीं रहा है आरती, क्या किया जाए। और यहाँ पे इंडियंस बहुत आए हुए हैं, ये तो दिख ही नहीं रहा ऊपर, इट्स वेरी टफ। कहाँ गर्मी में नीचे थे और कहाँ एकदम से आधे घंटे में इतनी ठंड में आ गए, बहुत ठंड लग रही है। कुछ कुछ लोग यार, आरती मानना पड़े यार, इसने तो कुछ पहना ही नहीं, इन लोगों ने तो इतना जोश आ कहाँ से रहा है। इन्होंने एक आर्टिफिशियल ऐसा बर्फ वाला रखा है, जो बर्फ को तोड़ तोड़ के ऐसे सबके ऊपर फेंक रहा है, लोग यहाँ इतना एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए आप, इसमें ये देखिए आरती, ओ ते पूरा बाल भर गए आरती तुम्हारे, ते बर्फ है यहाँ पे। मैं बर्फ में हाथ डालने लायक भी अभी इतना इतना ठंडे हाथ हो गए है, बर्फ में हाथ डालने लायक भी नहीं रहा है अभी। ये देखो ये ऊपर गिरा रहा है, ये है वो आइस फ्लायर जिसमें हम अभी थोड़ी देर बाद बैठेंगे।
तो ऐसे ये ट्रॉली देखिए कहाँ जा रही है, और ऐसे बिल्कुल बाहर लटके हुए रहोगे आप ट्रॉली में, और वो देखिए नीचे तो बादलों में चली गई, और नीचे भी एक्टिविटीज है खेलने के लिए। आरती बहुत एक्साइटेड है, ठंड भी बहुत है। अभी हम पहले ये क्लिफ वॉक पे चलते हैं। ये कितना लंबा क्लिफ वॉक है, ओहो आरती ये तो हिल रहा है। ये हिल रहा है पूरा, देखिए आप। ओहो हो, ये तो सही में क्लिफ पे है। आरती नहीं जाना क्या? क्या विनीत डर गए? पर अरे ये लोग यहीं पे क्यों खड़े, आगे क्यों नहीं जा रहे? इसके आगे चलो। एक्सक्यूज मी, तो ये देखिए कितना लंबा क्लिफ है, और इसमें है ना, ये देखिए यहाँ पे पूरा ग्लेशियर है, ये पूरा। आरती आ रही है सबको रोकते रोकते पीछे, ये इतना हिल रहा है ना ब्रिज है। आरती बहुत मूव कर रहा है, ये ब्रिज बहुत मूव कर रहा था। अभी हम आगे चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे भी हम नीचे चले जाएंगे, नीचे वाले फ्लोर पे। कुछ नहीं दिख रहा आरती, पूरा क्लाउड आ गया वापस। आरती कुछ नहीं दिख रहा, पूरा क्लाउड आ गया वापस से इसी पे से। ये देखिए व्यूअर्स, ओ शिट, बहुत ठंडा है और बहुत खतरनाक भी है। ओ हो, आप देखिए मैंने बैग आगे लटका रखा आगे की तरफ। ये हमारे जूते देखिए, अरे पाँव करो आरती। और कितना ठंडा लग रहा है आरती, कितना ठंडा। देखिए हम लोग इस फ्लायर में बैठ के आ रहे हैं आप, और यहाँ पे देखिए ये हमारे पांव, देखिए इतनी ठंड लग रही है ना हमें। अभी धूप निकली तो अच्छा लग रहा है, हम नीचे उतरे, हम इसी फ्लाइट से वापस ऊपर आएंगे। और मस्त हिट, ये बहुत अच्छा है, आइस फ्लाइट जरूर करना चाहिए आपको, बहुत थ्रिलिंग है ना। और मेरे को देखो, मैं तो एकदम टोपी भी पहन रखी है और हेड भी कर रखा। तो आ गए हम हमारे, अभी यहाँ से उतर के हम यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी है वो करेंगे। तो हम लोग जिस उम्मीद से आए थे उन उम्मीदों पे पानी फिर गया है, पानी फिराया है खुद बर्फ ने। तो आरती बताओ कैसे यहाँ, ये जो है पॉइंट, हम यहाँ से उतरे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये यहाँ से ऐसे उतरे हम, और इधर जो ये पूरा ये दिख रहा है ना, यहाँ पे होता है एक्टिविटीज अलग अलग, ये स्लाइडिंग वाली और ऐसी। पर इस बार इस समय इन्होंने ये बंद कर दी, क्योंकि ज्यादा बर्फ पिघल गई है। तो देखिए आप, बर्फ पिघलने से ज्यादा थोड़ी मिट्टी मिट्टी हो गई, तो ज्यादा आइस वाली एक्टिविटीज हो नहीं पा रही है आरती। तो हमारा इस बार भी नहीं बन पाया, पर आइस फ्लायर बहुत अच्छा था, क्या बोलती हो? तो हम लोग अभी थोड़ी देर नीचे अपना टाइम हमने पास किया, और वापस इसी आइस फ्लायर से ऊपर जा रहे। आइस फ्लायर क्यों पता चल गया, क्योंकि हमारी आइस जम चुकी है दोनों की। नाक ऐसी है कि हम लोगों का होता है ना, क्या कहते हैं उसे, ठंडी गर्मी से जो स्किन हो जाती है चेहरे की, वो होने लग गई है, बर्न हो गई है। देखिए हम कहाँ जा रहे हैं बादलों में, हमें खुद को नहीं पता। ये किसी को भी ये कर देने का, ओ बाप रे आरती, ये क्या है, हम क्या अलग ही दुनिया में जा रहे हैं क्या? अरे कुछ है ही नहीं सामने, दिख ही नहीं रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वो देखिए वो ना गंडोला हमारा वाला जो उतरता है नीचे टिटलीस का, और कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे दिखा हमारा स्टेशन हमें दिखा, बाप रे। और ये नीचे देखो व्यूअर्स, ये मेरे पाँव तो आपको दिख रहे होंगे, पर उन पाँव के नीचे की तरफ ये पूरा ग्लेशियर है,
और एक ग्लेशियर अब पिघल पिघल के पूरा नीचे पानी बन के जा रहा है। अब देखो, अब आपको क्लियर व्यू आ रहा होगा। ये थोड़े से भी बादल छट जाते हैं ना तो कैमरा में बहुत अच्छा व्यू आता है। आरती देखो अभी कितना अच्छा व्यू आ रहा है। मजा आ गया, मजा। कुल्फी जम गई, कुल्फी पूरी। मेरी तो नाक ऐसा लग रहा है कि नाक है भी कि नहीं जुड़ी हुई मेरे चेहरे से। बाप रे, तो मजा आ गया। ये टिटलीस में ये आइस फ्लैट तो आप जरूर करिए, एक अलग ही एक्सपीरियंस। व्यूअर्स, हालत देखिए आप क्या हो रहा है टिटलीस पे। बाप रे, लोग मजे ले रहे हैं फुल बर्फ में। और ये देखिए आप, ये यहाँ पे आर्टिफिशियल बर्फ गिर रही है और पूरा का पूरा टिटलीस, वो मेरे ऊपर भी गिरी, पूरा का पूरा टिटलीस माउंटेन देखिए आप। नीचे भी कुछ नहीं दिख रहा है। ओहो हो, जो हमारी को जो है ना, एक ना हमेशा से मेरे और आरती को एक वो था ना, आरती ओ, मेरे को और आरती को जो एक वो था कि बर्फ में खेलना है, वो तो सपना आज पूरा हो ही गया। जल्दी आओ तुम कहते थे ना मेरे को बर्फ चाहिए बर्फ चाहिए। लो अब ये हमारी स्विट्जरलैंड की ट्रिप का जो आखिरी ये है ना, ये बहुत जबरदस्त हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैटरहॉर्न से शुरू किया था हमें, इंटरलेकन बहुत अच्छा लगा था और ये टिटली सही में हमारा दिल जीत गया। बहुत अच्छा है। अगर आपको वर्थ विजिट, अगर आपको बर्फ चाहिए और बर्फ का पूरा एंजॉयमेंट लेना है तो ये देखिए पीछे पूरा। और बहुत ठंडा है अभी, टेम्परेचर था 2.2, अभी मेरे मोबाइल में दिखा रहा है 1। लगभग फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हम लोग, हाथ जो हैं ये भी मुड़ नहीं रहे हैं और बहुत गजब। एक्चुअली मैटरहॉर्न में भी बर्फ थी पर उधर क्या कोई जा नहीं रहा था, तो ऐसे फुटप्रिंट्स होते हैं तो चलने हाँ, में आसानी होती। और उधर क्या है कि इतना उधर उस दिन पूरा आरती सनी डे था तो पूरे ये ना क्लाउड नहीं थे तो ठंड इतनी ज्यादा नहीं लग रही थी। यहाँ पे क्या क्लाउडी भी हो रहा है थोड़ा, तो एकदम ठंड आ रही है पूरी। और यहाँ इंडियंस बहुत है टिटलीस पे, मैटरहॉर्न में तो हमें कोई भी नहीं मिला था। तो हम लोग आ चुके हैं अब टिटलीस के नीचे आ गए व्यूअर्स। हम यहाँ से अभी वापस वही रोटेटिंग वाले से इधर आए। अब हमारे अलावा इस जगह पर कोई नहीं है। आप देखिए हम यहाँ पे बीच में रुक गए हैं, ऐसे हमें नीचे और जाना है। ये यहाँ से वो रोटेटिंग केबल वाली जो 360 डिग्री वाली जो गंडोला है वो यहाँ से शुरू होती है। हम ऐसे ही वॉशरूम गए और इधर बाहर आके देखा तो इधर सब खाली पड़ा हुआ है, तो ऐसे ही आ गए। तो कैसा लगा आपको टिटलीस का? हमने हाँ, हमने ऊपर थोड़ा सा नाश्ता भी करा, पर वो ये व्यूअर्स अब 6-7 दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि हमें गरम गरम रोटी, गरम गरम कोई सब्जी मिल जाए, आलू बैंगन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए बस, इंडिया का मन तो करता है। क्योंकि यहाँ पे भी हमने अभी कुछ था नहीं, फ्रेंच फ्राइज, चिकन नगेट्स, उस टाइप का ही खा सकते। एक्चुअली इंडियन था ना, मिलता है पर वैसा टेस्ट नहीं आता है वैसा। देखिए हम गए थे इधर से, यहाँ से आप जाते हो गंडोला के लिए वो 360 डिग्री वाले, हमारे साथ बहुत लोग आए थे वो सब चले गए। अब हम भी जाते हैं ट्रुप्सी, जो इसके नीचे वाला स्टॉप है, कोई नहीं है हमारे यहाँ। ये देखिए ट्रुप्सी और एंजलबर्ग के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो अब हम यहां से पकड़ेंगे नॉर्मल वाली अपनी केबल राइड और नीचे की तरफ चलेंगे। अरे इंडिया वाले में बैठेंगे, आओ आओ। तो अभी हम लोग एंजलबर्ग पूरी तरह से नीचे नहीं उतरे, हमने सोचा एक घंटा और यहाँ पे एंजॉय करेंगे हम लोग। तो अभी हम आए हैं ट्रुप्सी करके, जो इसका मिड स्टॉप है, इसके बाद एंजलबर्ग आता है। तो यहाँ पे भी माहौल बहुत जबरदस्त है, आप देख, यहाँ पे लोग अपने आराम से कुछ खा रहे पी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है बच्चों के लिए कितने सारी चीजें यहाँ पे, देखिए बच्चे कैसे मजे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे और वहां पे जिप लाइन है, यहाँ पे ऊपर आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये देखिए। तो आप टिटलीस आए तो ये जिप लाइन भी है ना वो कर सकते, ये देखिए इधर
ये बच्चे कैसे कूद रहे हैं। ओ तो यहाँ तो बच्चों को फुल मजा आ रहा है देखो। और ये देखिए, ये है हमारी ट्रॉली, अभी हम ये ट्रॉलियों से ही नीचे उतरे हैं। और आरती और हम सोच रहे हैं कि क्या हम इस लेक के उधर जाएं क्या। ये देखिए बहुत लोग यहाँ पे गए हुए हैं, देखिए आप। तो देखते हैं हम लोग अभी, और फिर हम जल्दी ही चले जाएंगे नीचे। और आज हमारा लास्ट डे, कल तो हम ज़ूरिक निकल जाएंगे मॉर्निंग में जल्दी, तो अच्छा तो नहीं लग रहा है। ये कुछ आखिरी ट्रॉली है भाई, इसके बाद हमारी जो होगी। बहुत ज़बरदस्त रहा ये स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप, और ये टिटलिस में इस बार क्लाउड्स ने मज़ा दिला दिया भाई। हर ट्रिप में ब्राइट सनी डे हो वो भी अच्छा नहीं है, है ना। और ब्राइट सनी में क्या होता है, ज़्यादा आपको है ना बेकार लगता है, क्योंकि एक तो धूप भी और ठंड भी है। तो थोड़ा हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं, अब हम एक घंटे बाद ही जाएंगे क्योंकि ट्रेन का टाइमिंग मैच होना चाहिए। आरती क्या करने जा रही है, आरती करने जा रही है जिप लाइन। और इस जिप लाइन के 12 रिंग्स हैं, जिप लाइन 12 रिंग्स की है ये। तो ये आप जब भी उतरेंगे टिटलिस से, तो ट्रूपसी करके जो है ये पॉइंट, इस पे आप करेंगे। तो इसकी देखिए अभी आरती तैयार हो रही है और लड़ाई लड़ने जा रही है आरती। तो मैं नीचे जाता हूँ अभी वहाँ पे, ताकि मैं आरती को शूट कर पाऊँगा अच्छे से। ये आपको मैं बता देता हूँ जिप लाइन कहाँ तक जाएगी। ये जो रेड कलर की दो आपको स्टॉप दिख रहे हैं, ये वहाँ तक जाएगी व्यूअर्स। बहुत दूर है, 500 मीटर्स तक ये जिप लाइन जाएगी। और मौसम देखिए आप कितना प्यारा है, पीछे लेक है, तो मैं नीचे की तरफ उतरता हूँ ताकि आरती को मैं कवर कर पाऊँ। आरती वो देखो हो रही। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। कि क्या मौसम हो रहा है, क्या सनरेज आ रही है, ये लेक देखिए आप क्या। और ऊपर की तरफ है माउंट टिटलिस, गंडोला रेड जाते हुए। और अब हमारी मैडम आरती जी जिप लाइन पे तैयार है, मैं नीचे से शूट कर रहा हूँ। ये देखिए आप, वो देखो वो गई आरती। आ गई, ये देखिए। ये जा रही देखो, और आखिरकार वो पहुंच गई नीचे। प्लाइन करके फिर से आ चुकी है इधर। उसको जाने में तो बहुत अच्छा लगा जिप लाइन में, पर यहाँ आने में उसकी एक्सरसाइज हो गई। आ जाओ अब सिर्फ एस्केलेटर्स पे चढ़ना है। तो अब हम रिटर्न हो रहे हैं हमारी टिटलिस की माउंटेन ट्रिप से, नीचे जा रहे हैं हम एंजलबर्ग। वहाँ से पकड़ेंगे हम हमारी ट्रेन लूजन के लिए। तो आरती को आज मैंने जिपलाइन फोर्सफुली करवा ही दिया, आखिरकार व्यूअर्स मान ही नहीं रही थी। अब हम व्यूअर्स जाते हैं एंजलबर्ग नीचे, फटाफट हमें ट्रेन पकड़नी है और वहाँ से हम लूजन जाएंगे। लूजन में कुछ थोड़ा बहुत चहल पहल करेंगे और वहाँ। तो हम अभी स्विट्ज़रलैंड की ये जो ट्रिप है इसको लगभग हम एंड करने पे आ चुके हैं, और एक बहुत ही हसीन शाम हम गुजार रहे हैं लूजन में, लेक लूजन के किनारे बेंच पे बैठ के। अभी आपको मैं दिखाता हूँ नज़ारा, पर उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीते हुए 6-7 दिन हमारे इतने अच्छे गए। कल हम लोग यहाँ लूजन से हमारी होटल को चेकआउट करके हम जाएंगे ज़ूरिक, और ज़ूरिक में हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। हम ज़ूरिक में सिर्फ है ना ब्लॉग भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने डिसाइड करा है कि हम ब्लॉग नहीं करें। हम सिर्फ है ना आराम से रेस्ट करेंगे ज़ूरिक में भी। और ज़ूरिक में हमने है ना होटल एक लिया है, वो टेम्पररी ही लिया है, ज़्यादा मतलब वहाँ पे हमने है ना फॉर 12 आवर्स होटल। तो फिर हम वहाँ पे जाएंगे, और हमारी कल फ्लाइट है, लेट नाइट है फ्लाइट।
हम कल लुसन से इसलिए जा रहे क्योंकि हमें वैसे भी होटल यहाँ पे एक दिन और एक्स्ट्रा रखना नहीं था, तो हम लोग इसलिए सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। और अब फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट ही है स्विस एयरलाइंस की, और हम मुंबई पहुँच जाएंगे। तो मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर हमारे सारे ब्लॉग्स पिछले वाले देखे होंगे तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि ऐसे अच्छा स्विट्ज़रलैंड का व्लॉग्स किसी ने ना बनाए हैं यूट्यूब पे, क्योंकि हम लोग खुद ने हमने इतना रिसर्च करा तो हमें खुद को पता चला कि यूट्यूब पे या कहीं पे भी ये सोर्सेस नहीं है इतने अच्छे से कि किसी ने अच्छे से इटनरी बनाई हो। तो हमारी ये 6-7 दिन की जो इटनरी है ये सिर्फ स्विट्ज़रलैंड की, ये आप ज़रूर देखें सारे व्लॉग्स, व्लॉग 1 से देखिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और इस व्लॉग के बाद हम एक व्लॉग और बनाएंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि वो व्लॉग बनाएं जिसमें हम आपको सारे एक्सपेंसेस बताएंगे कि स्विट्ज़रलैंड की ट्रिप में क्या क्या एक्सपेंस होते हैं, स्विस पास लेने के क्या फ़ायदे होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं पर भी आप अब्रॉड जाओ तो आपको अपना टाइम कैसे यूटिलाइज़ करना है वो सब आपको ध्यान रखना चाहिए। हमने तो पूरा टाइम यूटिलाइज करा है माउंटेन में जाने के लिए, हर एक दिन हमने कुछ ना कुछ करा है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करा है टाइम यहाँ पे। तो अभी तो बहुत अच्छा है स्विट्ज़रलैंड, सच में बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है स्विट्ज़रलैंड, तो जन्नत है तो मैं मानूंगा। और इंटरलेकन का एरिया और ज्यादा जबरदस्त। तो ये देखिए, ये है वो व्यू जो अभी हमारी बेंचेस के सामने है, ये मेरे और आरती और हम दोनों ऐसे बैठे हैं, ये देखिए सामने की तरफ, और पहाड़ हैं पीछे बहुत सारे। सामने देखिए क्रूज़ अभी तैयार हो रहा है जाने के लिए, और यहाँ पे भी बोटिंग होती है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं खुद, मतलब अपनी बोट लेके खुद, पेडल बोट भी है, स्पीड बोट भी है। तो ये यहाँ पे बोटिंग करने के बहुत सारे वो हैं, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पीछे की तरफ मेन रोड है जिस पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ चल रही हैं, इस तरफ भी देख लीजिए आप ये। तो हम आराम से बेंच पे बैठे हैं, यहाँ पे लाइन में बेंचेस लगी है, कुछ लोग ऐसे नीचे बैठते हैं, यहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं, हम लोग आराम से बैठे। ट्रेन स्टेशन यहाँ पर ऐसे ब्रिज क्रॉस करके आना, पूरी ट्रिप में हमें सबसे ज़बरदस्त इसमें मज़ा आया खाने में है, अच्छा था खाना। और तो लुसन स्टेशन से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है ये इंडियन रेस्टोरेंट, लुसन करके आप सर्च करिए गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, और आप यहाँ पे आके ज़रूर खाना ट्राई करिए।